कब्जा माफिया के खिलाफ घेरा तंग, एंटी करप्शन विजिलेंस सेल का शाहदरा में क्रैकडाउन। साबिक एमपीएम मियां महमूद के कब्जे से 150 कनाल सरकारी जमीन वागुजार करवा ली गई। वागुजार करवाई गई जमीन की मालियत 20 करोड़ से ज्यादा है। इंतजामिया के अहकामात को नजरअंदाज करना, मारूफ स्टोर जलाल सन्स को महंगा पड़ गया। जलाल सन्स में डीसी काउंटर पर डालें और चीनी की अदम दस्तियाबी। जलाल सन्स की इंतजामिया को 30,000 रुपए जुर्माने का सामना। डीसी की हिदायत पर एसीसीटी खावर बशीर ने कार्रवाई की। पंजाब में मेगा मंसूबे, ब्यूरोक्रेसी का बड़ा इकदाम। मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी से कबल कागजात तस्दीक के लिए नैब को भिजवाने का फैसला। प्रोजेक्ट की मंजूरी नैब की इजाजत से मशरूत। ब्यूरोक्रेसी के फैसले से सियासी मुदाखलत का खात्मा होगा। ज़राए गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बड़े पैमाने पर बेज़ाबतियाँ हुई, अब कोई रिस्क नहीं ले सकते। ब्यूरोक्रेसी शहरियों के लिए अच्छी खबर, लाहौर में भी दुबई की झलक नजर आएगी। 10 मरला प्लॉट पर 50 फीट बुलंद 3 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत। 1 कनाल प्लॉट पर 6 मंजिला इमारत 90 फीट तक बुलंद रखने की सहूलत। 2 कनाल पर 10 मंजिला बिल्डिंग, 4 कनाल पर 15 फीट मंजिला इमारत की तामीर मुमकिन। 8 कनाल प्लॉट पर इमारत 300 फीट तक ऊंची और 23 मंजिले बना सकते हैं। 12 कनाल और उससे ज्यादा प्लॉट के लिए इमारत की हद ऊंचाई की शर्त खत्म करने की तजवीज। एलडीए बिल्डिंग रेगुलेशन 2019 मुतारिफ, गवर्निंग बॉडी ने बिल्डिंग रेगुलेशन 2009 में तरमीम की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए नून लीग का कानूनी जंग तेज करने का ऐलान। अवामी नुमाइंदों को घर भेजना पंजाब से दुश्मनी करार। एहसन इकबाल कहते हैं मुद्दत से पहले बल्दियाती निजाम खत्म करके लाहौर को लावारिस कर दिया। बल्दियाती निजाम तोड़ना नून लीग के मैंडेट की तौहीन है। पीटीआई ने बेहतरीन निजाम खत्म करके बदतरीन इकदाम उठाया। अवामी मसाइल से बेखबर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, साबिक मेयर लाहौर भी बल्दियाती निजाम की दोबारा बहाली के लिए पुरुमीद। मुबशिर जावेद बोले मौजूदा हुकूमत ने शहर का बुरा हाल कर दिया, 67% सड़कों की लाइट्स बंद पड़ी हैं। अवामी नुमाइंदों से मुतालिक हमारा केस मजबूत है, शहर में जल्द तरक्की का अमल शुरू होगा। नून लीग ने बल्दियाती इदारों के हवाले से कौन सी तोपें चलाई? सूबा वजीर कॉलोनीज फैजुल हसन का एहसन इकबाल से सवाल। कहा नून लीग ने गैर मौसर और बेख्तियार बल्दियाती निजाम बनाया। बल्दियाती इदारों के पास पैदाइश, अमवात और निकाह के सर्टिफिकेट के अलावा कुछ इख्तियार नहीं था। नाम निहाद खादिम आला ने कभी बल्दियाती निजाम को दिल से कबूल नहीं किया। जब इलेक्शन करवाए तो आधा तीतर आधा बटेर था। मरियम नवाज पर भी कड़ी तनकीद, बोले मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक मरियम नवाज का झूठ नैब की तफ्तीश में पकड़ा गया। साबिक हुकूमत के दो शौक थे, एक पुल और सड़क, दूसरा करप्शन। टैक्सों के पैसे से बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए। राणा सनाउला करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक हैं। फैमिली मेंबर और करीबी अजीजदारों के नाम पर कुल 14 कमर्शियल प्लॉट्स, तमाम जायदाद मुंशियात स्मगलिंग से बनाई। एएनएफ का इल्जाम, रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। असास से मुंजमद करने की इस्तदा, फैसलाबाद इंटरचेंज पर दाखिले की सीसीटीवी फुटेज भी पेश। दौरान हिरासत कब्जे में लिया गया पर्स और घड़ी वापस। इंसदाद मुर्शाद कोर्ट ने सेफ सिटी अथॉरिटी की फुटेज मांग ली। अदालत ने राणा सनाउल्लाह के जुडिशियल रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी। सियासी तौर पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कमजोर नहीं राणा सनाउल्लाह। एलडीए सिटी स्कीम के मुतासरीन के लिए अच्छी खबर, प्लॉट्स की अलाटमेंट के लिए कुरानदाजी की पॉलिसी तैयार कर ली गई। 21 दिसंबर 2019 को कुरानदाजी करने की तजवीज़। फाइल होल्डर्स के लिए डेवलपमेंट चार्जेस भी वजह कर दिए गए। वर्किंग पेपर की आइंदा गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली जाएगी। साफ पानी की फ्राहमी का आज़म, फिल्ट्रेशन प्लांट्स की चेकिंग के बाद बड़े ब्रांड्स के पानी का तजिया। 11 कंपनियों के ब्रांड्स की चेकिंग, गलत लेबलिंग पर 4 ब्रांड्स फेल। एवाइन नेचुरल वाटर, मरी स्पार्कलेटस प्रीमियम, दासानी और स्प्रिंगले नेचुरल वाटर के सैंपल फेल करार। पानी में टीडीएस का लेवल कम, तलछट और गंदगी पाई गई।
डीजी फूड अथॉरिटी, फेल होने वाली कंपनीज के प्रोडक्शन बंद करा दिए गए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गलत अफवाहें और इंतजार फैलाने की नाकाम कोशिश है। डॉक्टर्स की तनख्वाहों में 7.5 अरब रुपए का इजाफा किया। मौजूदा हुकूमत ने रिकॉर्ड भर्तियां की। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के तहफ्फुज़ के लिए बुनियादी इकदाम उठा रहे हैं। सूबाई वज़ीर से है डॉक्टर यास्मीन राशिद का वाईडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। ट्रैफिक हादसे का बड़ा मुजरिम अब बच न पाएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस खुद मुदई बनेगी। ट्रैफिक पुलिस ने तमाम सेक्टर इंचार्ज को मुरासला जारी कर दिया। जिन केसेस में मुदई कार्रवाई नहीं करेगा, सेक्टर इंचार्ज खुद मुदई बनेगा मुरासला। कार्रवाई न होने पर मुलजिम ड्राइवर्स दोबारा हादसा का बायस बनते हैं। ट्रैफिक पुलिस लाहौर मेरा शहर है, मुझे कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब करवाया। जब हुकूमत मिली मुश्किल हालात थे, अब मामलात बेहतर हो रहे हैं। अब अच्छी खबरें आ रही हैं, मईशत मजबूत हो रही है। चंद हफ्तों में सारी कौम मुत्तहिद हुई और कश्मीर में मजालिम की तरदीद की। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कारवान इकबाल में मुसन्निफीन दानिशवरों और कलमकारों से मुकालमा। एहतसाब अदालत में मरियम नवाज की पेशी पर पुलिस अहलकारों से तल्ख कलामी। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी दरखास्त जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोक दिया। 50,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। थाना इस्लामपुरा पुलिस से 7 सितंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया। कैप्टन सफदर का दरखास्त में मौकफ। मोदी की शक्ल में नाजी आ गया। मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की इंतहा। मोदी ने पहले गुजरात में कत्लेआम किया, अब कश्मीर में नस्ल कुशी की जा रही है। भारत ने कश्मीर में जंग शुरू की तो पाकिस्तान खत्म, दिल्ली में करेगा। करतारपुर राहदारी पर 80% काम मुकम्मल हो गया। वादे के मुताबिक खोलेंगे गवर्नर पंजाब की फिरदौस आशिकावान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाने का ऐलान। फिरदौस आशिकावान ने कहा कि वजीर आजम आइंदा हफ्ते कौम से खिताब करेंगे। कश्मीरियों से यकजहती अब नहीं रुकने वाली। कौमी अम कमेटी ब्राय बैन उल मजाहिब के जेर तमाम यकजहती है कश्मीर रैली। नासिरबाग से चेयरिंग क्रॉस तक रैली में हर शुबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग शरीक। गार्डन टाउन में सिविल सोसाइटी का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। डिप्टी कमिश्नर सारे से की जेर सदारत जिले अमन इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का इजलास। एसएसपी ऑपरेशन इस्माइल खाड़क समेत उलमाए कराम की शिरकत। तमाम मकातबे फिक्र के उलमाए कराम की इंतजामिया को भरपूर तआवुन की यकीन दहानी। कश्मीर में मुसलमानों पर भारतीय मुजालिम की मजम्मत। कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म है, उलमाए कराम की गुफ्तगू। डीसी साले सईद ने कहा कि मुहर्रम अल हराम में रवादारी और बर्दाश्त को फरोग मिलेगा। अमन अमान के क्याम के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सैयद अली अब्बास बुखारी की जेर सदारत इजलास। सड़कों के पैचवर्क्स, सड़कों की तामीर के अमूर का जायजा। जुलूस के रास्तों पर स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब को यकीनी बनाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखराजात को कम करना है, कारकर्दगी नजर आनी चाहिए। सैयद अली अब्बास बुखारी की हिदायत। जमात इस्लामी ख्वातीन विंग के ज़ेर-ए-एहतमाम तामीर पाकिस्तान यूथ कन्वेंशन। तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती। टैबलोज मिले नगमे और तकारीर पेश की गई। समिया राहिल काजी बोली, कश्मीरियों के साथ हैं, मामले को हर सतह पर उजागर करेंगे। कश्मीर के बगैर इस्तेहकाम पाकिस्तान का ख्वाब अधूरा है। एलाइड स्कूल तलबा के रोशन मुस्तकबिल की जमानत करार। 301 कैंपसेस के 4,000 से ज्यादा बच्चों के शानदार नतायज की रिवायत बरकरार। यूसीपी ऑडिटोरियम होनहार तलबा के लिए पुरवकार। तकरीब तकसीम नमाज। पोजीशन होल्डर्स तलबा को 1-1 लाख रुपए के नमाज से नवाजा गया। मेहनत का सिला मिलने पर बच्चों और वालदेन की खुशी दीदनी। सौर स्कूल सिस्टम फरोग इल्म की जानिब गामजन। शहर के तीनों कैंपसेस में होगी अब लाइब्रेरी की मुफ्त सहूलत।
लाइब्रेरी की फराहमी बारे मॉडल टाउन ब्रांच में इफ्तिताही तकरीब, रहनुमा पीटीआई अली रजा दृशक की बतौर मेहमान खास शिरकत, तलबा की लाइब्रेरी में पढ़ी किताबों में गहरी दिलचस्पी। आजादी ने नेशनल जूनियर स्कॉच चैंपियनशिप, शानदार मुकाबले के बाद टाइटल पंजाब के हारिस कासिम के नाम। फाइनल में खैबर पख्तूनख्वा के जीशान जेब को शिकस्त। अंडर 13 के फाइनल में महबूब ने सखीउल्लाह को हरा कर टाइटल जीत लिया। अंडर 15 के फाइनल में मोहम्मद अमात ने अनस बुखारी को हरा दिया। और चीफ मिनिस्टर पंजाब नेशनल कराटे चैंपियनशिप दूसरे डोज भी जबरदस्त मुकाबले, सुबह भर की 11 टीमों के दरमियान टाकरा, खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए खूब दांव पेच लड़ाई।